नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्क में आप लोगों का स्वागत है। 8 दिन पहले या 10 दिन पहले ही मैंने कहा था कि हमारे यहाँ यानी मुंबई में ठंड काफ़ी कम होती है, यानी ना के बराबर। लेकिन देखिए, 10 दिन में मौसम बदल गया। मुंबई का टेम्परेचर इतना ड्रॉप हो गया है कि पूछो मत। लिटरली 17-18-19 के आसपास, सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर आ गया है। यानी मुंबई के लिए यह काफ़ी अच्छी ठंड है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि ये ठंड एटलीस्ट रम पीने लायक है, और इसीलिए मैंने आज तय किया है कि एक बढ़िया रम का रिव्यू मैं आपके लिए करूं। जी हाँ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमेशा अल्कोहल यानी रम हो, वोडका हो, जिन हो, विस्की हो, टकिला हो, कुछ भी हो, उसको चेंज करते रहिए। उसके दो फायदे होते हैं। चेंज करते यानी कभी रम लीजिए, कभी विस्की लीजिए, और उसी में भी आप उसके ब्रांड चेंज कीजिए, ताकि उसका दो फायदे हैं। एक, अलग अलग टेस्ट मिलती है, बढ़िया बढ़िया, और दूसरा फायदा ये होता है कि आदमी को एक ही टाइप के अल्कोहल की आदत नहीं लगती, यानी एडिक्ट नहीं होता है। ये दो फायदे बहुत बढ़िया होता है। तो इसीलिए रम के बारे में भी मैं कभी भी एक ही रम को चिपक के नहीं रहता हूँ, मैं हमेशा अलग टाइप की रम ट्राई करता हूँ। आज मैंने आपके लिए एक बढ़िया रम लाई है, जी हाँ, जिसका नाम है टू इंडीज रम। अमृत वालों ने बनाई हुई एक टू इंडीज, अमृत वालों की एंट्री इस रम से हुई है। टू इंडीज रम बहुत अच्छी रम है, ऐसे मैंने सुना था। तो मैंने सोचा चलो अपने निशूस कास्ट पे आज इसका रिव्यू होना ही चाहिए। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ रिव्यू, तो निशूस कास्ट पे तो बनता ही है रिव्यू। काफ़ी लोगों ने रिव्यूज किए हैं इसके, लेकिन मेरी पैलेट क्या कहती है ये आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको भी पता चले कि क्या हम रम में भी अलग टाइप की रम टेस्ट कर सकते हैं या नहीं। अमृत डिस्टिलरी जिन कैटेगरी में भी एंट्री करके ऑलरेडी आ चुकी है, जिसने नीलगिरी जिन बनाई है, और ये रम उनकी एक खास रम है जो टू इंडीज नाम से है। अब ये टू इंडीज क्या है? टू इंडीज का मतलब है एक तो अपना इंडिया और दूसरी वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज यानी क्या है? अलग अलग आइलैंड से बना एक देश है जो कैरेबियन आइलैंड्स कहा जाता है उसे। तो वहां पे भी शुगर केन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, यानी गन्ने की खेती ज्यादा होती है। और वैसे ही इंडिया में भी अपने यहाँ गन्ने की खेती काफ़ी होती है, और जहाँ गन्ने की खेती काफ़ी होती है वहाँ शुगर एंड गुड़ इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। एंड नेचुरली जब ये दो चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा जहाँ पे है वहाँ पे उसका एक बाय प्रोडक्ट है जो मैं हमेशा कहता हूँ, मोलासिस। तो मोलासिस का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। तो अब देखते हैं कि ये टू इंडीज रम में क्या है, कैसी है। ऐसे कहते हैं कि ये जो रम है टू इंडीज, वो कैरेबियन रम गुड़ से बनी हुई है। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या ये सही गुड़ से बनी है या इसमें भी थोड़ा बहुत मोलासिस है। चलो तो करते हैं इस टू इंडीज रम का रिव्यू। आप देखे होंगे मेरे पीछे जो बैरल है मेरा, वो थोड़ा बहुत खाली दिख रहा है। उसका रीजन ये है, घर पे थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, और यहाँ जो स्टॉक है वो मैंने अच्छी तरह पैक करके रखा है, ताकि उस पर धूल मिट्टी ना बैठे। लेकिन मेरे अगले एपिसोड्स कई अलग अलग जगह पे लेकिन आते रहेंगे। अब हम करेंगे इस टू इंडीज रम का रिव्यू। पहले हमेशा की तरह बॉटल का मुहाना। देखिए बॉटल पे है अमृत सिंस 1948 टू इंडीज रम। यहाँ पे लिखा है RHUM रम, और डैश करके लिखा है रॉन। ये क्या है? हम लोग RUM रम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे RHUM रम लिखा है। तो दैट इज इन स्पैनिश, स्पेन की जो लैंग्वेज है वो रम कहते हैं, और रॉन जो है वो है फ्रेंच लैंग्वेज। कैरिबियन आइलैंड में इस दो कंट्रीज का डोमिनेशन रहा है, और यहाँ पे जो रम इस्तेमाल की है वो है जमैका, बारबाडोस और गयाना। तो इसीलिए
यहाँ पे दो अलग अलग लैंग्वेज में रम एंड रॉन ऐसे लिखा है। बाकी तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेट क्वांटिटी 750 ml, 42.8% ABV है, दैट मीन्स 75 प्रूफ, एंड अमृत डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड एन आर जगदाले ग्रुप उनका प्रोडक्ट है, एंड बेंगलोर प्रोडक्ट बेंगलोर का है। एंड अब देखते हैं यहाँ पे और क्या लिखा है। इंग्रेडिएंट्स में लिखा है कैरेबियन रम, ENA। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ENA? ENA का मतलब है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, यानी मुझे लगता है कि इसमें मोलासिस तो है। और दूसरा है डीमिनरलाइज वाटर एंड कंटेंट्स परमिटेड नेचुरल कैरमल, यानी कैरमल का इस्तेमाल किया है कलर आने के लिए। तो अब देखते हैं ये कैसी रम है। हाँ, बाय द वे, और मुंबई में इसकी कॉस्ट है 1700 रुपये, 1700। अब यहाँ पे एक टैग लगा हुआ है, इस टैग पे देखते हैं क्या लिखा है। टू इंडीज रेयर यूनियन ऑफ नेचुरल कैरेबियन रम्स फ्रॉम द आइलैंड्स ऑफ जमैका, बारबाडोस एंड गयाना, मैरिड विथ ट्रेडिशनल इंडियन नेचुरल रम। यू कैन एंजॉय दिस एम्बर रम स्ट्रेट और विथ योर फेवरेट मिक्स। नेचुरली नोजिंग टेस्टिंग है तो मैं तो स्ट्रेट ही लूंगा, सवाल ही नहीं। तो चलो इसका करते हैं ओपनिंग। कैसे ओपन करना है? यस, यहां से फर्स्ट ये ओपनिंग है, सिंपल है, वेरी सिंपल ओपनिंग। लेकिन यहां पे एक खास बात है कि यहां पे कॉर्क लगा हुआ है। यस, यानी हम वापस एक बार कॉर्क का पॉप सुनेंगे। तो लेट्स ओपन द पॉप। क्या बात है, हाँ, थोड़ी सी मीठी सी खुशबू आ रही है। देखते हैं इसमें एक छोटा सा पॉर करते हैं। चलो करते हैं इसका नोजिंग फर्स्ट। पहले देखते हैं कलर। यस, एम्बर गोल्ड कलर है। मुझे तो ये मीडियम बॉडीड लग रही है। अब नोज पे देखते हैं क्या अरोमा हमको मिलते हैं। पहले ही उभर के आ रहा है हनी, हनी टाइप जो अरोमा है वो मुझे मिल रहा है, यानी हल्का वैनिला भी है, हल्के स्पाइसेस, सिनेमन टाइप के स्पाइसेस मिल रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इसमें गुड़ से बनी हुई जो रम है वो शायद इसमें है, क्योंकि थोड़ा सा जैगरी का जो स्मेल रहता है ना वो मुझे मिल रहा है, हो सकता है इसमें हो। लेकिन ये रम की एक खास बात है, इसको ना जरा भी अल्कोहल का भपका जो कहते हैं वो नहीं है, इन्हें फ्रेंच पॉलिश मैं कहूँ तो वो वैसे टाइप का अरोमा जरा भी नहीं है। बहुत ही सूदिंग और बहुत अच्छा अरोमा मुझे मिल रहा है। अब पैलेट पे देखते हैं क्या मिल रहा है। चीयर्स, चीयर्स। वेरी गुड। जितनी मीठी खुशबू मुझे आ रही थी हनी की या तो गुड़ जैसी, उतनी मीठी पैलेट पे नहीं है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो मेपल सिरप हम लोग लेते हैं उस टाइप का, यानी हनी में अगर पानी मिला के आप पियेंगे तो कैसे एक हल्का सा मीठा सा स्वाद आता है, वैसे टाइप का स्वाद मुझे पैलेट पे आया। थोड़ा सा निगलने के बाद सिनेमन या तो स्पाइसेस थोड़ी सी अच्छी मिली, लेकिन एक रम की जो एक मीठी सी पैलेट पे
टेस्ट रहती है ना कोई भी रंग की, तो वैसे यहाँ पे भी वो ज़ुबान पे है, अभी भी बरकरार है। यानी एक अच्छे टाइप का टेस्ट पैलेट पे डेवलप हो जाता है, आफ्टर टेस्ट जो बोलते हैं ना, वो अच्छे टाइप का टेस्ट आफ्टर टेस्ट डेवलप हो गया है। एक थोड़ा पानी डाल के देखते हैं और क्या अरोमा उभर के आते हैं। यस, हनी थोड़ा पॉपअप हुआ, सिनेमन थोड़ा पॉपअप हुआ। अब पैलेट पे देखते हैं क्या आता है। थोड़े बूंद डालने के बाद बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गई, यानी बाकी के रंग के कंपैरिजन में ये काफी स्मूथ और बहुत अच्छी रंग है। आपको ये जरूर ट्राई करनी चाहिए इफ यू आर अ रम लवर। जो काफ़ी लोग व्हिस्की इंथुजियास्ट रहते हैं, वैसे कई लोग रम इंथुजियास्ट भी रहते हैं, तो उनके लिए ये 100% ट्राई करनी चाहिए। ओके, आई एग्री कि 1700 रुपये कॉस्ट है, बट इफ़ यू आर गेटिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ रम विच इज़ वेस्ट इंडीज़ की कैरेबियन आइलैंड से आई हुई रम और इंडियन रम का ब्लेंड अगर बहुत अच्छी तरह मिल रहा है, तो यू शुड गो फॉर एटलीस्ट यू शुड ट्राई दिस रम विथ आइदर ओवर द आइस या तो फॉर द मिक्सर्स, तो अच्छा कॉकटेल भी इससे बन सकता है। तो दोस्तों मुझे बताइए आप लोगों को ये रिव्यू कैसे लगा, और जैसे मैंने बताया हमेशा की तरह दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिए। और कितनी भी अच्छी रम हो, वोडका हो, जिन हो या कुछ भी अल्कोहल हो, निशुस कास्क हमेशा एक चीज सिखाता है, ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली and let's learn how to drink it right. Cheers to Nishu's Cask.